एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें एक बाबा जी ने टिका के थप्पड़ मारा एक रिपोर्टर को, जो कहता है कि मैं रिपोर्टर भी हूं और मैं पता नहीं और क्या क्या कर रहा हूं। आप ये क्लिप देखिए, आप ये बहुत दफा देख चुके हैं, जरा एक क्लिप देखिए। ना ना नहीं नहीं, एक मिनट ओ भाई खबरदार, एक मिनट मेरे लोगों को मेरी बात सुन ले, एक मिनट ठहर जा, एक मिनट मेरी चुप हो जा, बस अंदर की सरकारी हॉस्पिटल में बदमाश है, बस आराम से, आराम से, आराम से, आराम से बात करें भाई, आराम से बात करें, आराम से क्या बात, मैं आप छोटे हैं, मुझसे छोटे, मैं छोटे होने का लिहाज कर रहा हूँ, आप आराम से, मेरे लोगों का ये एक मिनट, ये एक मिनट, ये देखें, ये देखें, ये रसीदें, ये अंदर की है, आराम करें, गुंडे आप, गुंडे हैं आप, क्या हैं ये देखें, क्लिप आपने देख लिया। अच्छा, ये मैं आपको एक कंपैरिजन देने लगा हूं कि जब कोई पढ़ा लिखा बंदा जर्नलिज्म करता है या एक इंटेलेक्ट पर आकर बात करता है, वो चीजों को कैसे करता है। मैं जिस बंदे की अब वीडियो आपसे शेयर करूंगा, इसने एक अताई, एक ऐसा शख्स पकड़ा जो कि डॉक्टर नहीं था, और ये नियो न्यूज के रिपोर्टर है मियां नवीद, मैं इनको बड़े अरसे से जानता हूँ। मुझे ये चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आप ये वीडियो देखिए। रुके सर, रुके रुके, किस तरह आप चेक कर रहे हैं मरीज, उधर आए, उधर आए, आप 15 कॉल करें, मैं कर रहा हूं 15 कॉल करें, अगर आप तमाशा बनाएंगे तो तमाशा बनेगा आपका, क्लिनिक पे आए, क्लिनिक पे आ जाए, तमाशा ना बनाए, किसी को ना दबाए, स्कूल पे क्लिनिक पे आ जाए, ना ना करें इस तरह, एवं तमाशा बना रहे हैं, आ जाए, एवं तमाशा ना बनाए। हम माशाल्लाह मौजूद बंदे हैं, इससे क्यों भागे आप, क्या हो जाना है, मुझे भी सांस चढ़ा दिया, खुद भी आप जो है वो आ जाए डॉक्टर साहब, अंदर आ जाए डॉक्टर साहब, अगर आप भागेंगे ना मसला आपके लिए बन जाएगा। वीडियो आपने देख ली, आपने देखा कि वो भागे और उसके बाद उसने पकड़ने के बाद भी मियां नवीद उनके पीछे भागा और उसके बाद बड़ी तमीज से उसने उन्हें कहा कि मैं सड़क पे तमाशा नहीं लगाना चाह रहा, आप जो है ना ऑफिस में चलें, और मुसलसल वो यही बात कहता रहा कि मैं तमाशा नहीं लगाना चाह रहा आप, जबकि जितने भी सड़क छाप जर्नलिस्ट होते हैं, ये जान के ऐसी जर्नलिस्ट तो होते ही नहीं, जाहिर है वो इसका एक इंटरव्यू भी नशर हो चुका है जिसमें उसने कहा है कि मैं शौकिया ये काम करता हूँ और 32 साल मेरी उम्र है, मैं FSC भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या वो बताता रहा है। इंटरव्यू भी इसने हमजा को दिया है, वो भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, नियो न्यूज़ से है, तो उसको इसने इंटरव्यू दिया और उसमें ये बातें कहता रहा है, फिर तो वो जर्नलिस्ट तो ये होते नहीं, और फिर ये इस तरह, लेकिन इसमें सोफिस्टिकेशन का आंसर आप अच्छा, मियां नवीद बहुत ज़्यादा इनकी सेहत के इशूज़ रहे और सेहत के इश्यूज इनके रहे यूजुअली हाई BMI की वजह से, मतलब जो वेट पुट ऑन किया हुआ था। अब मैं कुछ जब मैंने इनको शाबाश दी तो मैंने कहा तुसी सही तोड़ लाई है पीछे और उसके बाद आपने चीज़ों को बड़ा कंट्रोल रखा। मियां नवीद ने मुझे कुछ रिपोर्टें शेयर की, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस बंदे को शुगर हो गई हुई थी, ये है रिपोर्ट 5 अप्रैल 2021 की, इसका HbA1c है 9.1%, यानी अच्छी खासी शुगर। उसके बाद इस बंदे ने एक्सरसाइज शुरू की, इसने 10 से 12 किलो अपना वज़न कम किया मियां नवीद ने, और इसकी जो HbA1c थी ये आप देखें, ये आ गई 5.6% पे 12 दिसंबर 2022 को, और अब ये रिपोर्ट है इनकी 2 जनवरी 2023 की 4.6%, और ये मुसलसल जाहिर है हेल्थ के लिए मेरे से रबते में रहते हैं और मेरी वीडियोस भी देखते रहते हैं और मेरी इनसे बड़ी दोस्ती है और इन्होंने सारे वो प्लान्स फॉलो किए जो मैं आप लोगों को अक्सर बताता रहता हूँ। तो आप देखेंगे इस बंदे ने अपनी शुगर वापस कर ली, तो जहाँ एक अच्छे जर्नलिस्ट की मिसाल है यही शख्स मियां नवीद, वहीं ये इस चीज़ की भी मिसाल है कि अगर आप अपनी हेल्थ पर तवज्जो दें, कैसे इसने दौड़ लगाई और पकड़ा, या आप देख रहे हैं मिड्डो में जब ये मियां नवीद भाग गया तो कहता है ये अच्छे जिम के नतीजे हैं जो आप मुझे कहते रहते थे, और एक बंदे ने अपनी शुगर हुई भी वापस कर ली, ठीक है, अब कोई मेडिसन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शुगर ही ख़त्म हो गई, चीज़ें ठीक हो गई, तो
इस बंदे ने अच्छी जर्नलिज्म होने के साथ साथ, अच्छा जर्नलिस्ट होने के साथ साथ, अच्छा कंप्लाइंट पेशेंट होने की भी मिसाल पूरी की मियां नवीद ने. और ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन इन लाहौर एंड ओवरऑल पाकिस्तान अपनी अच्छी रिपोर्टिंग की वजह से. तो हमें जो अच्छी मिसालें होती हैं ना, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. और मैं आपको जो है बाकायदा उनकी रिपोर्ट्स के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और इनके कुछ मैसेजेस भी जो मेरे साथ हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब मैंने इन्हें भेजा तो इन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया. ये इनके मैसेजेस थे मुझे, इन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ये सब छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक, नान, तली हुई चीज़ें छोड़ दी, और मैं सुनता रहता हूँ सारी वीडियोज़. ये आप देख सकते हैं, और आप इनकी शुगर और चीज़ें रोज़ चेक करता हूँ, और अब मैंने शुगर थी मैंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर लिया, 10 किलो वज़न कम किया, काफ़ी फिटनेस मिली है. मतलब ये इन्होंने उस दौड़ने पे जब मैंने इन्हें कहा तो इनके मैसेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ आप अच्छे जर्नलिस्ट होने के साथ अच्छा पेशेंट भी साबित हो सकते हैं, और ओवरऑल एक सोसाइटी में अच्छा इंसान साबित हो सकते हैं. मैंने जो इनकी वीडियो भेजी थी, मैंने ये तारीफ़ की थी कि इस बंदे ने सड़क पर तमाशा नहीं लगाया, अलग ले गया, और इसने मतलब चीज़ों को वहाँ सेंसिबली टैकल किया, और थ्रू आउट ये तमीज़ से, हालांकि इसको पता है बंदा आता ही था, लेकिन ये कहता रहा कि डॉक्टर साहब अंदर चले, डॉक्टर साहब सुकून से बात करते हैं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं जाने दिया. दिस इज़ रियल जर्नलिज्म और दिस इज़ रियल इंसानियत. तो मुस्बत चीज़ों की हमें हमेशा मुस्बत बातों की, मुस्बत लोगों की, मुस्बत रवैयों की तारीफ़ करनी चाहिए. तो वेल डन फॉर दैट, एंड कीप अप ग्रेट वर्क. थैंक यू वेरी मच.